हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9th अलजेब्रा लेसन नंबर 1 सेट्स प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 को करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। बेसिक पार्ट में हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। मीन्स जैसा अभी हमने सेट्स देखा उसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या प्लस माइनस या क्या क्या चीज उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मीन्स टू सेट है उसका इंटरसेक्शन हमको निकालना है। सपोज ए एंड बी आर टू सेट, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इट इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी, और इसको रीड क्या किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, x such that x एलिमेंट ऑफ ए एंड x एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स ए सेट में भी एंड बी सेट में भी दोनों में एलिमेंट्स उसके होने चाहिए। सपोज यहाँ पे हम ए सेट लिखते हैं, ए सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 8, 7, 9 ये ए सेट के अंदर है। एंड बी सेट के अंदर क्या है, सपोज कर लो 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, जो दोनों में रहेगा। मीन्स बोल सकते हो जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे 2, 4, 8 ये ए इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 2, 4, 8 ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिएगा जो दोनों में कॉमन रहेगा, यहाँ पे लिखा भी है एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे एलिमेंट्स लिखना है जो कि ए एंड बी दोनों में रहे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, ए के अंदर क्या है, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड बी के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 6, 8 ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दोगे ये 3 एंड ये 3 दोनों में कॉमन है, तो द एलिमेंट ऑफ 3 इज अ कॉमन इन अ सेट ए एंड बी, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3। इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, 3 आएंगे। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया, 1, 3, 9, 11, 13 और यहाँ पे 1, 9, 11। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो 1, 9, 11 इसमें है बी में, और एक एलिमेंट्स क्या है 1, 9, 11 इसमें भी है। मीन्स इसका इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1, 9, 11 द एलिमेंट ऑफ 1, 9, 11 आर द कॉमन इन सेट ए एंड बी। मतलब 1, 9, 11 जो है वो ए में भी है और बी के भी एलिमेंट्स है, ए के भी एलिमेंट्स है एंड बी के भी एलिमेंट्स है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, 9, 11 बट बी 1, 9, 11। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे निकाला 1, 9, 11 और बी में भी है 1, 9, 11। तो ऐसे सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। हियर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस चीज को याद रखना, अगर बी सबसेट ऑफ ए होता है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर B इंटरसेक्शन A इक्वल टू B है तो B जो है सबसेट ऑफ A बन सकता। मीन्स ये रहेगा तो ये बनेगा एंड ये रहेगा तो ये बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं डिसजॉइंट। अभी तक हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन देखा। इंटरसेक्शन में क्या था कि जो कॉमन मिलता है, जो दोनों में एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। अब यहाँ पे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना मिले, कॉमन उसका एक भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे सेट ए में दिया गया 1, 3, 5, 9 एंड सेट बी में दिया गया 2, 4, 8 आर गिवन। यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 9 और यहाँ पे 2, 4, 8 वेन डायग्राम में हमको बताया गया है, और इसमें से कॉमन एक भी नहीं है। देखो कंफर्म दैट नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज अ कॉमन इन सेट ए एंड बी। ए एंड बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दी सेट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो द सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। मीन्स ये वेन डायग्राम को देख करके हम समझ सकते हैं, या तो जो हमारा जो सेट दिया रहेगा, सेट में एक भी एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ही वह उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। नाउ है यूनियन ऑफ टू सेट्स। मीन्स टू सेट का यूनियन क्या होता है,
देखो यूनियन का मीन्स हम लोग समझ सकते हैं इसको कि साथ में, यूनियन का मीन्स क्या समझ सकते हो, साथ में, जो एक साथ में सब आए. लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स. इट इज रिटन एज ए यूनियन बी एंड रीड एज ए यूनियन बी. देखिए इंटरसेक्ट, देखिए इंटरसेक्शन कैसा था, ऐसे था, ठीक है. एंड यूनियन कैसा रहेगा, यू रहेगा. तो ये उल्टा यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और सीधा यू रहेगा तो क्या होगा, यूनियन हो जाएगा. ये रहेगा हमारा इंटरसेक्शन एंड ये रहेगा यूनियन. तो देखिए इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा था कि एक कॉमन आना चाहिए, अगर कॉमन आएगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा. अब यूनियन में क्या है, तो यहां पे ध्यान देना, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी. तो कहने का क्या मतलब है, जो ए का भी एलिमेंट हो एंड बी का भी एलिमेंट हो. जैसे यहां पे दिया गया, देखिए ए में दिया गया माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव जीरो, एंड बी में दिया गया जीरो थ्री फाइव. माइनस वन लिखा है, माइनस थ्री लिखा है, माइनस फाइव लिखा है, जीरो लिखा है, और इसके यहाँ पे थ्री लिखा है, फाइव लिखा है. ये जीरो यहाँ पे टू टाइम्स आ गया है, इसीलिए इसको रिपीट नहीं किया है, क्योंकि हमने पहले भी सीखा था कि जो भी हमारा सेट रहता है उसमें ट्वाइस नहीं होता, ओनली वंस होता है. सिर्फ एक बार ही हम लोग लिख सकते हैं, दो बार कोई भी डिजिट को हम लिख नहीं सकते. कहने का क्या मतलब है, ए यूनियन बी में क्या होगा, जो इंटरसेक्शन आएगा, जो दोनों में कॉमन आएगा वो भी लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी लिखा जाएगा. ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, एंड जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग टू टाइम नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग सिर्फ वन टाइम लिखेंगे. नॉट दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. अगर हम ए यूनियन बी बनाते हैं या बी यूनियन ए बनाते हैं तो भी हमारा आंसर जो है राइट आए. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे देखो सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन, इसको काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव. इज अ गिवन सेट विद इन फाइव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ सेट ए. और इसको हम लोग इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट नंबर्स ऑफ सेट ए इक्वल टू फाइव. अब यहाँ पे बी के लिए देखना है, सेट बी के लिए देखना है कितने एलिमेंट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. नंबर ऑफ सेट बी कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा. हमको एलिमेंट्स में क्या दिया गया उससे मतलब नहीं है, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है वो हमको मायने हैं. यहाँ पे देखो काउंटिंग करने का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये रहेगा. और जब सिर्फ सेट लिखना रहेगा तब उसका एलिमेंट्स देखा जाता है. अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, मतलब अगर हमको ये निकालना रहेगा कि इंटरसेक्शन में कितने सेट होते हैं और यूनियन में कितने नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, या तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए सेट के अंदर क्या क्या है. देखो ए सेट के अंदर क्या है, नाइन थ्री फिफ्टीन सिक्स ट्वेल्व, ठीक है. उसके बाद में बी सेट के अंदर क्या है, बी सेट के अंदर है सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी एंड थर्टी सिक्स. सबसे पहले क्या दिया गया, यूनियन दिया गया, इंटरसेक्शन दिया गया, तो इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं. तो इंटरसेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन आता है, तो कॉमन देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया है, सिक्स ट्वेल्व दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स ट्वेल्व. आप लोग यहां से भी कर सकते हैं एंड यहां से भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर कॉमन देखते हैं, सिक्स ट्वेल्व इधर भी है और यहाँ पे भी है. उसके बाद अभी जस्ट हमने देखा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होता है, जो कॉमन रहता है वो भी आता है, जो कॉमन नहीं है वो भी आ सकता है. या तो ऐसा समझ सकते हो ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं एंड बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, और जो कॉमन रहेगा उसको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, नाइन थ्री फिफ्टीन सिक्स ट्वेल्व
18, 24, 30 एंड 36. 9, 3, 15 लिखा, 6, 12 कॉमन है उसको लिख लिया एंड 18, 24, 30, 36 यहाँ पे लिख लिया. अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं तो नंबर ऑफ ए कितना होगा, देखो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ ए हो गया 5. सो दैट नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया. सो दैट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 1, 2 है 2. फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया हमारा 9. तो अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा राइट है या रॉन्ग है. तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हमको प्रूफ करना है. तो देखो वेरीफाई द अबोव रूल द गिवन द वेन डायग्राम. तो अभी ये वेन डायग्राम को हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ बी कितना है 6 है, ए यूनियन बी कितना है 9 है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 है. अब ये फॉर्मूला में हमको पुट करके प्रूफ करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है. तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 9, देखो यहाँ पे ए यूनियन बी 9, नंबर ऑफ ए कितना है 5 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 6 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2. सो दैट 9 इक्वल टू 5, 6, 11 माइनस 2, 9 इक्वल टू 9. देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है. ये जो फॉर्मूला दिया गया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला का यूज करके हमको पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट करना है. सो दोस्तों यहाँ तक ये हमारा बेसिक पार्ट है, प्रैक्टिस सेट 1.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.